बहुत बहुत साधुवाद अमित जी। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन संगनी माता रमाबाई जी का 123वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, साथ ही समस्त देशवासियों को मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। माता रमाबाई का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और जब उनकी बाबा साहब से शादी हुई थी तब वो अशिक्षित थी और मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। बाबा साहब की उम्र भी उस समय लगभग 15 वर्ष की थी। बाबा साहब के सानिध्य में रहकर माता रमाबाई ने शिक्षा अध्ययन किया और शिक्षित हुई। चूँकि बाबा साहब अपने अध्ययन में रत रहते थे और सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रहते थे तो वो अपने परिवार का ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते थे, तो पूरे परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी माता रमाबाई के ऊपर थी। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के बावजूद भी माता रमाबाई ने अपने परिवार की देखभाल नियमित रूप से और प्लांट वे में की, परंतु आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से उनके बच्चे कुपोषित हो गए और बाल्यावस्था में ही उनके 4 बच्चों का देहावसान हुआ। उनका एक बेटे गंगाधर का जब देहावसान हुआ था तो उस वक्त उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो बाज़ार से कफन खरीदवा सकें। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़ कर वहाँ गाँव वासियों को बच्चे के ऊपर कफन के रूप में साड़ी के पल्लू को इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने गोबर के उपले बेचकर धन कमाकर अपने घर का लालन पालन किया और बाबा साहब की शिक्षा में भी मदद की। माता रमाबाई ने बाबा साहब के लगभग सभी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, चाहे वो काराराम बिहार के मंदिर का प्रवेश का मामला हो, चाहे महाड़ तालाब के सत्याग्रह का मामला हो। उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया और उस समय बाबा साहब और उनकी टीम का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूं कि बाबा साहब को महान बनाने में माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। यदि माता रमाबाई पूरी तरह से सहयोग नहीं करती तो हो सकता है बाबा साहब इतनी महानता की ऊंचाई न छू पाते। तो आज के इस अवसर पर मैं देश की सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि वो माता रमाबाई के संघर्षमय और त्यागमय जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को भी माता रमाबाई के जीवन जैसा महान बनाने का प्रयास करें, ताकि और साथ में ही अपने बच्चों को अच्छे उच्च आदर्श दें, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें ताकि वो अच्छे नागरिक बनकर, शिक्षित नागरिक बनकर अपने समाज और देश का नाम उच्च कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः सभी देशवासियों को माता रमाबाई के 123वें जन्मदिन के पावन अवसर पर अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। आज माता रमाबाई अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? जैसा कि आज माता रमाबाई अम्बेडकर जी का जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, सबका मंगल हो, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि एक किसी भी पुरुष को महान बनाने में किसी महिला का हाथ होता है, ये बात बिल्कुल सही है। रमाबाई का जो त्याग है वो बहुत ही परिकल्पनीय है और उस त्याग की वजह से ही अपने जीवन की चिंता न करके बाबा साहब को महान बनाने में उनकी अहम भूमिका है। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के पंजीकृत मंडल आगरा के आज मंडल अध्यक्ष का चुनाव किया गया।
इसमें सदस्य डॉक्टर विनय कुमार जी को मंडल अध्यक्ष चुना गया सर्वसम्मति से और लेखा परीक्षक श्रद्धेय देवीलाल बौद्ध जी को चुना गया और महामंत्री श्रद्धेय बजेन्द्र सिंह बौद्ध आगरा को बनाए गए। उपाध्यक्ष श्रद्धेय संतोष सुभाष बौद्ध जी को फिरोजाबाद से बनाया गया है और सागर जी सभी सारे जिलों के आज आगरा मथुरा मैनपुरी और फिरोजाबाद के सारे चारों जिलों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में मंडल अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करा गया, मंडल की कार्यकारिणी बनाई गई। भारतीय बौद्ध महासभा का आखिर क्या उद्देश्य है, किस तरह से ये शाखा गठन की जा रही है और उद्देश्य क्या है? भारतीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है, बाबा साहब के संक्षिप्त की दीक्षा के बाद उनका संदेश था कि सारे जो सर्वहारा समाज बौद्धमय बने, पूरा भारत बौद्धमय बने, उसी के तहत भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब द्वारा स्थापित की गई। उसी के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय बौद्ध महासभा उत्पत्ति पंजीकरण ने पूरे देश में, पूरे प्रांत में, हर जिले में, हर तहसील में ये शाखाएँ गठित की हैं। अब 13-14 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसलिए सभी आगरा मंडल के सभी जिलों के पदाधिकारीगण और मंडल पदाधिकारीगण उसमें लखनऊ में अपना जाएंगे और उस चुनाव को संपन्न कराएंगे। डॉक्टर विनय कुमार जी, आज आप यहाँ इस डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार में जो टूंडला में स्थापित है, यहाँ आपको निर्विरोध अध्यक्ष पद भारतीय बौद्ध महासभा का मंडल अध्यक्ष चुन लिया गया है, आपको कैसा लग रहा है और आप कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या काम करेंगे अब इसके बाद? पहले सभी दर्शकों को मेरा नमोबुद्धाय, जय भीम। मुझे ये जो जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मेरे सभी भारतीय बौद्ध महासभा के आजीवन सदस्यों की पदाधिकारियों की, और इस मौके पर मैं थोड़ा सा नर्वस ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे जब देवीलाल जी जैसे हमें जब लेखा परीक्षक मिले हैं जो इतने बुजुर्ग हैं, इतने अनुभवी हैं, तो मुझे कोई भी संदेह नहीं है किसी भी किस्म का कि उनके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए विनय पूर्वक इस मंडल को नंबर एक मंडल बनाएगा गजेंद्र सिंह बौद्ध की सहयोग से। सभी जिलों के जिलाध्यक्षों ने बड़ा सोच समझ करके और एक योग्य व्यक्तित्व को ये जिम्मेदारी दी है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने एक बहुत ही योग्य अपने मंडल अध्यक्ष को चुना है, जो आगे चल के इस संगठन के लिए बहुत ही कल्याणकारी कार्य करेंगे और इसको आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आगरा महानगर के जो जिलाध्यक्ष हैं यादव सिंह जी, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, आपने जो आज डॉक्टर विनय कुमार जी को आज मंडल का अध्यक्ष चुना गया है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह से काम होगा? अब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर विनय कुमार सभी को प्रेम के साथ, करुणा के साथ साथ लेकर के मंडल को भारतीय बौद्ध महासभा में साथियों बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और मंडल को एक नंबर का बनाएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ साथियों हमें आशा बंधी हुई है आगरा मथुरा के मंडल अध्यक्ष से, आगरा मंडल से। जय भीम, जय भीम। आज हम लोग यहाँ पे मथुरा से चल के आए, तो आज जो चुनाव हुआ है मंडल अध्यक्ष का, और मंडल अध्यक्ष के पद पे डॉक्टर विनय जी को चुना गया है, और इस चुनाव से पूरी तरह हम लोग संतुष्ट हैं और बहुत अच्छी तरह से चुनाव हुआ है, और हम आशा करते हैं कि डॉक्टर विनय जी हमारे मंडल को पूरे प्रदेश में नंबर वन बनाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। देखिए, चुनाव जो प्रक्रिया में पहली बार हमने भाग लिया है,
और आज ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है। और मैं डॉक्टर विनय कुमार से चाहूँगा कि धम्म कर्मा को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब के भारत को सपना जो था वो पूरा करें, और जब भी ज़रूरत होगी हमारी इन्हें जहाँ भी, चाहे मथुरा, चाहे आगरा, चाहे फिरोजाबाद, मैनपुरी, जहाँ भी अगर ये हमें ले जाना चाहें तो हम इनके कंधे से कंधे मिला के साथ देंगे और साथ इनका काम करेंगे, बाबा साहब के कर्मा को आगे बढ़ा के। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज जो इलेक्शन जो हुआ है, चुनाव हुआ है, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ है, और जैसा माहौल में ये चुनाव हुआ है उसी माहौल को बरकरार रखते हुए हम पूरे मंडल में, चाहे वो मथुरा जिला हो, आगरा जिला हो, मैनपुरी जिला हो या फिरोजाबाद जिला हो, सभी लोगों को साथ लेकर के पूरी मैत्रीती के साथ में हम जो है भाईचारे के साथ में आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक जिले में हम धम्म के कारवां को आगे ले जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने लोग इस सदन में हैं सभी लोगों से उम्मीद है, आप ये लोग नहीं समझें कि हम लोग पदाधिकारी चुनेंगे तो हम ही काम करेंगे, काम हम सबको मिलके करना है। बहुत ही संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आते ही लोग हमेशा उनको शिक्षा के एक महादूत के रूप में जानते हैं। उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ जो भारतीय बौद्ध महासभा था, जो आज पूरे भारत में अपनी साधनाएं बना चुका है, इसी कड़ी में आज कुंडला के अंदर, उसको फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके कुंडला के अंदर अम्बेडकर पुर विहार पर आज भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड शाखा फिरोजाबाद के नेतृत्व में मंडल स्तरीय भारतीय बौद्ध महासभा की चुनावी सभा हुई, जिसमें आज डॉक्टर विनय कुमार जी को निष्पक्ष और निर्विरोध रूप से आज मंडल अध्यक्ष चुन लिया गया है और लेखा परीक्षक के रूप में देवलाल बौद्ध को चुना गया है। बहुत बहुत साधुवाद। आपके बच्चों को प्रेरणा देने का काम करेगी। बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, माँ ये घर में जो तस्वीर लगी है वो किसकी है, तो माँ या पिता ये जरूर बताएंगे, बेटा ये तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर की है, ये तस्वीर माता रमाबाई की है, ये तस्वीर ज्योतिबा फुले की है, ये माता सावित्री बाई फुले की है। तब बेटा आपसे पूछेगा, माँ इनकी तस्वीर घर में क्यों लगाई है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया। तब माताओं बहनों, आप जो कहानी आप लोगों ने सुनी है वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी और बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास आपकी गोर गति कर जाएगा, आने वाली पीढ़ी में चला जाएगा। बाबा साहब कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो जीवन में कभी नया इतिहास लिख भी नहीं सकती, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति, जागृति सोच, सोच से ताकत, ताकत से शक्ति और शक्ति के बल पर इंसान देश का शासक राजा बन जाता है, लेकिन उसकी सारी जड़ होती है वो इतिहास होता है। तो आइए धर्मबंधु, आज इस इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए आगरा की पूरी टीम निरंतर ये काम कर रही है कि कैसे भी करके बहुजन समाज जागरूक हो। तो हमारे बीच में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग पधारा हुआ है, मैं आदरणीय राजा बाबू जी से कहूंगा हाय, और आज की इस धम्म देशना को संबोधित करते हुए आगे की कार्यकारिणी इस धम्म देशना का उद्देश्य माता रमाबाई को श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। और इनके बाद में आदरणीय हमारे विश्वदीप जी एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे, और इनके बाद में क्या नाम, महाकाल सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को एवं माता रमाबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईदगाह कुतुबपुर में उपस्थित सभी मेरी माता बहने एवं सभी आगरा के और ईदगाह कुतुबपुर के सभी धर्म उपासक साथी, आज आपके बीच में श्रद्धे बोधाचार्य सूरज राय जी धम्म देशना के माध्यम से पधारे हुए हैं, क्योंकि आज आगरा शहर की स्थिति बहुत दयनीय है और उसका दंश हमारी माता बहनों को झेलना पड़ता है, हमारी माता बहनों को झेलना पड़ता है, किसी का बेटा शराब पी रहा है, किसी का भाई शराब पी रहा है, किसी का पति शराब पी रहा है, किसी का पिता शराब पी रहा है,
तो हमारे समाज की स्थिति केवल और केवल शराब जुए सट्टे की वजह से बद से बदतर हो गई है, क्योंकि हमारा राजधानी बना दिया है, तो दलितों की राजधानी होने के कारण हमारे समाज के लोग दलित बनकर के किसी ने ठेके पर कब्जा कर लिया है, किसी ने जुए के ठेकों पर कब्जा कर लिया है, किसी ने सट्टे पर कब्जा कर लिया है और अपने पूरे हफ्ते भर की कमाई जुआ शराब और सट्टे में बर्बाद कर लेते हैं। अभी इस तरह की बात मेरे कारीगर आए, क्योंकि काम हो रहा है, पूरी साल भर लॉकडाउन झेला, अब भी लॉकडाउन झेल रहे हैं, वो कारों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हुए हैं, कभी उनके पास भी जाके कहो कि भैया मैंने अपने पूरे खून पसीने की बाटर कटिंग फिटर करके मैंने तुम्हें ठेके पर दी है, मुझे भी 100-200 रुपए दे दो तो आपको मिलेंगे नहीं। इसका भी दंश हमारे कारखानेदारों को झेलना पड़ता है। तो हमने ये संकल्प लिया कि इससे निजात तभी मिलेगी जब हम इस आगरा को दलितों से नहीं बौद्धों की राजधानी बना देंगे। जब तक हम आगरा को बौद्धों की राजधानी नहीं बना देंगे तब तक हम ये कार्यक्रम पूरे आगरा शहर में चलता रहेगा। हमारे नौजवान साथी, आगरा की टीम के साथी बहुत सारे हैं, सैकड़ों की तादाद में, उनके द्वारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। मैं अपने सभी साथियों से आह्वान करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमें कसम लेनी है, हमें संकल्प लेना है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग महीने में 3 दिन जमात के लिए देते हैं, महीने में 3 दिन जमात के लिए देते हैं, यानी कि महीने में 72 घंटे देते हैं, तो मेरा नौजवान साथियों से आह्वान है कि हमें 72 घंटे नहीं देने हैं, महीने में 3 घंटे नहीं देने हैं, केवल महीने में 12 घंटे देने हैं, 3 घंटे हर हफ्ते देने हैं और वो भी संडे को देने हैं, वो भी छुट्टी के दिन देने हैं। और हमें जब तक हम आगरा को बौद्धों की राजधानी नहीं बना देंगे तब तक हम चैन से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे आगरा के लोग जुड़ करके हर बस्ती मोहल्ले में ये कार्यक्रम करें और इसका जो आगरा खर्चा है, जो श्रद्धेय बोधाचार्य जी का खर्चा है वो आगरा की टीम देती है और जो स्थानीय खर्चा है वो स्थानीय लोग देते हैं। तो मैंने सुना कि हमारी माता बहन, मैं देख रहा हूँ कल में एक शांति पाठ में थे, तो पहले ये सुनने को मिलता था कि हमारी माता बहनों की भूमिका कम रहती है कार्यक्रमों में, लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा अगर काम कर रही है माता बहनों की ज्यादा रहती है पुरुषों की अपेक्षा। तो मैं अपनी माता बहनों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो अपने घर के काम काज निपटा करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती हैं और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काम कर रही हैं। अभी बोधाचार्य जी इंदिरा कॉलोनी तमोली पहाड़ी में 6 दिवसीय बौद्ध कथा का आयोजन था, तो वहां भी हमने देखा कि पुरुषों की अपेक्षा हमारी माता बहनों की संख्या सबसे ज्यादा थी। हमारी माता बहनों ने उस हॉल को भर दिया, पुरुष तो बेचारे बाहर बैठे हुए थे। तो मैं ऐसी माता बहनों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे जब भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो तो आप उस जगह को इतना भर दें कि उसमें हम लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं हो, हम लोग बाहर बैठ करके सुने। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो। और इसी के साथ नमस्कार।